My dear student, according to given video, I am going to explain some examples related class 9 physics. Topic is gravitation. Dhyan dijiyega meri baat. According to gravitation, force of attraction between two different body due to mass. इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी मास के कारण, उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके कारण अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, देन सच टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन. यू आर कंप्लीटली कन्फर्म फ्रॉम मास. किसी भी बॉडी के मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी. यहाँ दो बॉडी है, ए और एक बी. मास ऑफ ए इज 1 kg एंड मास ऑफ बी इज 2 kg. दो स्फीयर मान लो. ए में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ए का जो मास है, मास ऑफ ए दैट्स इक्वल टू m1. अगर ए के मास को लिखें तो उसको हम लोग m1 माने हैं, और मास ऑफ बी को m2. दो स्फीयर, दोनों का मास दिया हुआ है 1 kg 2 kg, दोनों का सेपरेशन है 1 meter. तो ड्यू टू मास दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जितना फोर्स से ए बी को अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना है मेरी बात, दोनों का मास डिफरेंट, लेकिन जितना फोर्स से ए बी को अट्रैक्ट करेगा, बी भी ए को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. ये बड़ा ही मार्केबल पॉइंट. ग्रेविटेशन में ए के द्वारा बी पर अप्लाई फोर्स या बी के द्वारा ए पर अप्लाई फोर्स, दोनों का अमाउंट सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. तो यहाँ एफ जो है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों के बीच वर्क कर रहा है. एफ को एक ए ने बी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, या बी ने ए को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 meter. अगर इस एफ का वैल्यू निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस फोर्स का जो वैल्यू होगा कैपिटल जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये कैपिटल जी जो है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसका SI सिस्टम में वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10^-11 nm² पर kg². m1 रिप्रेजेंट मास ऑफ ए, m2 रिप्रेजेंट मास ऑफ बी. तो m1 का वैल्यू हम लोग दें 1 kg, कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग लिए हैं यहाँ से, m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू 2 kg, और r जो दोनों के बीच का सेपरेशन है 1, r का वैल्यू है 1 meter, और आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 meter². इस तरह से m² और m² कैंसिल, और एक kg मल्टीप्लाई kg, kg^+2 होगा जो kg^-2 को कैंसिल करेगा. तो इस तरह से दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक 2 दिया है यहाँ पर, तो ये जो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं इतना न्यूटन. तो अगर दो बॉडी है ए और बी, अगर दोनों का मास 1 kg है और 2 kg है, और दोनों के बीच का अगर सेपरेशन 1 meter है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उस फोर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोसेस हम लोग निकाल सकते हैं. इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल कितना है, एक एफ, ये तो कांस्टेंट है, और एक एम, दूसरा एम टू, और एक आर. तो 1, 2, 3, 4 एफ जो है दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 मास ऑफ ए, m2 मास ऑफ बी, आर दोनों के बीच का सेपरेशन. इस चार में से एफ, m1, m2 और आर, इस चार में से किसी भी 3 का वैल्यू अगर दिया रहे, तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रोसेस हम लोग उस 3 के वैल्यू को निकाल सकते हैं.